झारखंड में 16 साल की नाबालिग के साथ हुए लव जिहाद का मामला अब काफी गर्माता जा रहा है। लव जिहाद का शिकार हुई अंकिता के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग हो रही है। इसी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने परासिया में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दुमका में एक 16 वर्ष की नाबालिग अंकिता को शाहरुख ने उसके घर में पेट्रोल डालकर जला दिया, क्योंकि अंकिता ने उस शाहरुख नाम के व्यक्ति से दोस्ती करने से मना कर दिया था, जिससे गुस्साए शाहरुख ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद 5 दिन मौत से जंग लड़ने के बाद अंकिता की मृत्यु हो गई, जिससे समाज में काफी आक्रोश है। अब जगह जगह से आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग उठ रही है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने परासिया में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फांसी की सजा की मांग की। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में झारखंड के दुमका निवासी बहन अंकिता सिंह की निर्मम हत्या एक जिहादी शाहरुख के द्वारा की गई। यह घटना दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके पूर्व में भी कन्हैया जैसी नामक घटना घटी हुई, मगर आज उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन शासन के द्वारा नहीं की गई। आज SDM महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और उसमें आज बजरंग दल एक निवेदन करता है कि उसमें उचित से उचित कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसी घटना इस देश में कोई छोटे से छोटे नगर गांव में किसी प्रकार की ऐसी घटना न घटित हो, और यदि ऐसी घटना घटती है तो इसके बाद बजरंग दल ना तो ज्ञापन देगा ना तो निवेदन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।